नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, अपना अपना घर बनाने के बाद आप जब अपने विंडो का काम करवाते हो, अपने खिड़की का काम करवाते हो, तो वहाँ पे आप हमेशा थोड़ा डाउट में रहते हो कि आप वहाँ पे विंडो में आयरन रॉड्स का काम करवाएं या फिर स्टील रॉड्स का। क्योंकि दोस्तों आजकल थोड़ा सा स्टील रॉड्स का चलन बढ़ गया है, क्योंकि दिखने में थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। तो दोनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे में क्या यूज़ करना चाहिए, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। प्लस आपके उन दोनों जो रॉड्स हैं, तो रॉड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कि काफ़ी बार लोग 4 इंची रखते हैं, काफ़ी बार 5 इंची रखते हैं, तो प्रॉपरली किस कितना है उसके बीच में गैप होना चाहिए, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है नीचे लाल कलर बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उससे होगा क्या, जो भी हमारी इस प्रकार की घर बनाने से जुड़ी हुई जो भी नॉलेजफुल वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहेगी। अब दोस्तों मैं एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपसे करने आया हूँ आज, कि अगर आप अपने घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या फिर अपने लिए कुछ सामान मंगवाते हैं, कुछ भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपक्लूज़, आजियो, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, और उसमें आपको आजकल त्यौहार सीजन चल रहा है, ऐसे में आपको बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, और उस बेनिफिट्स में भी कुछ पैसे आपके बच जाए और आपके अकाउंट में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे में बहुत अच्छा मैं आपके लिए ऐप लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है अर्नक्रो। इसके बारे में आप मैं एक अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा डिटेल में, पर दोस्तों इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिए और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सचमुच बहुत अच्छी ऐप है, जेन्युइन ऐप है। अगर आप घर बैठे अगर इस पर मेहनत करोगे तो कम से कम 1000 से लेकर के 15000 रुपये बहुत आराम से कमा सकते हो। तो दोस्तों आपका दिल करे तो डाउनलोड कर लीजिए, और बाकी आप इसको चाहो तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विंडोज़ के बारे में जो बात करने आए थे, खिड़कियों के बारे में हम बात करने के लिए आए थे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे में अगर मैं इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप अगर आपका घर ऐसे एरिया में है जो कि आउटर विंडो जहाँ की बाकी बाहर बाहर गलियों की साइड निकल पड़ रही है, तो वहाँ पे आप आयरन रॉड्स का ही इस्तेमाल करें, आयरन रॉड्स ही लगवाएं, क्योंकि खिड़कियों में आपको दिखती हैं काफ़ी ज़्यादा, आयरन रॉड्स का ही लगवाएं। लेकिन स्टील रॉड्स का इस्तेमाल वहीं करें जो घर के अंदर इंटीरियर में लगती हो, वो विंडो में लगती हो, वहाँ जो घर के इंटीरियर में हो तो वहाँ स्टील रॉड्स का उपयोग करें, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इसमें आयरन रॉड जैसे कि है कि बहुत मजबूत होती हैं, उनको आप हाथ से पकड़ के मोड़ नहीं सकते हो, उनके ऊपर जोर लगाओ तो वो मुड़ेंगी नहीं, और अगर स्टील रॉड्स है वो आपको अगर थोड़ा सा जम दम लगाओगे तो वो मुड़ जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाती है, और वो अंदर से खोखली होती है स्टील रॉड्स, इस कारण से भी वो मुड़ जाती हैं। तो ये सब बातों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों इनके जो बीच में गैप है, रॉड्स के बीच में गैप है कि कितना गैप होना चाहिए, इसका सबसे है परफेक्ट है मैक्सिमम 4 इंची और 4 इंची से कम, 4 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर 4 इंची या 4 इंची से ज़्यादा होता है तो ऐसे में क्या होता है कि आपका किसी का हाथ अंदर जा सकता है। अगर कोई आपके घर के आसपास है, कोई शरारती तत्व है, तो ऐसे में वो कोई आदमी हाथ घुसा के आपके घर का कोई सामान उठा सकता है, या फिर कोई बंदर अंदर आके आपके घर में घुस सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो एकदम परफेक्ट काम होगा आपके घर का। तो इसलिए दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें ये बात। अब दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो चुकी है, तो मुझे बताइएगा दोस्तों क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या खराब लगा। तो दोस्तों अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना पसंद होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों ये बताएं कि आपको और क्या चाहिए आने वाली वीडियोस में। मैं सारी वीडियोस बहुत जल्दी बहुत डिटेल्स में लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।